अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम फर्राटा फ़ैन जो होता है दो प्लेट्स का, उसको वेंडिंग करने के बाद फिटिंग कैसे करें। यानी आज आपको फर्राटा फ़ैन का स्टेटर फिट करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से फिटिंग होता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक इन तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि फर्राटा फ़ैन किस तरह से फिट किया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिब रिजवी और आप देख रहे हैं RS इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि ये मेरा फर्राटा फ़ैन है, इसको अभी हम खोल के इसका कवर इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पीछे ये तीन स्लॉट के नट है, इन तीन स्लॉट के नट आपको 8 नंबर रिंच से खोल लेना है और खोलने के बाद इसका कवर आपको निकाल लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों, आपको ज़मीन के तरफ जहाँ पर लगता है उसको पटक देना है और आपका ये निकल जाएगा। और आगे का भी कवर आपको कोई चीज़ से मार के, हथौड़े से या कोई भी चीज़ से मार के, प्लास से आपको निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको निकाल लेना है कवर। उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ पे रखना है कि आपका ये खाली जो स्टेटर जहाँ लगता है नीचे गैप रहे आपका थोड़ा। उसके बाद आपको स्टेटर को कुछ इस तरह से आपको रख लेना है और कोई छीनी या फिर आप इसको ड्राइवर से भी इसको स्टेटर को अंदर डाल सकते हैं, या गोल अगर आपके पास गोल छीनी हो कुछ इस प्रकार से जैसे मेरे पास है। आपको इसको तीन तरफ देख रहे हैं, आपको स्लो से आपको ज़्यादा तेज़ इस पर जोर नहीं मारना है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैं ये मेरे पास गोल छीनी है, उसकी सहायता से मैं मार रहा हूँ। पीछे की साइड मेरा कनेक्शन साइड है और आगे की तरफ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कितना आपको आगे की तरफ कितना आपको रखना है। ठीक है, तो आपको इस पे ज़्यादा जोर ज़्यादा नहीं मारना है, बहुत हल्के हाथों से आपको इसको अंदर डालना है, नहीं तो आपको जो कवर है वो कवर टूट सकता है। यदि दोस्तों अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसका जो स्टेटर लगा इसकी वाइंडिंग चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है, आगे की साइड आपको ये चीज़ जो देख रहे हैं इसको आपको बराबर इसके रखना है, आगे की साइड ये तीनों तरफ आपके ये इसके बराबर रखना है, तीनों तरफ आपको बराबर रखना है। अब क्या करना है दोस्तों, पहले आपको आगे का कवर लगा लेना है और आगे का कवर लगाने के बाद आपको रोटर डालना है। दोस्तों, रोटर डालने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में इसमें रखना है, ये रोटर आपको कुछ इस तरह से डालना है अंदर, और डालने के बाद आपको हथौड़े से इसको अंदर डालना है। लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो ये देख सकते हैं ये इसके बराबर, स्टेटर के इसके बराबर ये रहना चाहिए कुछ इस तरह से, तो आगे एक बनी रहती है इसकी। अभी हम आपको आगे इसके एक दिखाते रोटर, ये देख सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं कोना, और ये इधर ये आपके स्टेटर के इसके जो पत्ती, स्टेटर के पत्ते के एक सेम इधर रहना चाहिए और सेम उधर भी आपका दोनों तरफ आपका रहना चाहिए सेम ही तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पीछे का कवर आपको लगा लेना है, आपको तार कनेक्शन वायर आपको बीच में इधर ऐसे करके, और आपको ये कवर लगा लेना है। दोस्तों, ये ध्यान रखें जो पीछे की तरफ एक कवर है आपको इस पर लकड़ी, कोई लकड़ी की सहायता से आप इसको ठोक लीजिए, हथौड़ी से रोकिए, लेकिन बहुत आराम से, ये टूटती ज़्यादा है। अब इसमें हम स्लॉट लगाएंगे। दोस्तों, आपको ये स्लॉट इसमें इस तरह से डाल के और दूसरी तरफ निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपको स्क्रू इसमें कर देना है। दोस्तों, ध्यान रहे स्टम्पिंग जो रोटर हो आपको स्टेटर से मिला के रखना है, नहीं तो आपका फ्री नहीं होगा। और बहुत से पंखे होते हैं जिसको फ्री करने में बहुत ही वक्त लग जाता है, और बहुत से पंखे होते हैं जो फिट करने के बाद आसानी से फ्री हो जाते हैं, जैसे ये पंखा है आसानी से फ्री हो जाता है। आपको तीनों स्लॉट आपको लेके आपको इसमें स्लॉट लगा के आपको स्क्रू लगा देना है, और उसके बाद 8-9 नंबर रिंच से आपको इसको
इस स्क्रू को टाइट कर देना है। आपको इतना टाइट करना है कि हाँ टाइट हो जाए, कवर आपका टूटे नहीं। तो ये भी हम ये रिंच से हम टाइट कर रहे हैं। आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना, अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे जो कवर पीछे का कवर है वो आपका टूट जाएगा। बस आपको उतना ही टाइट करना है जितना टाइट आप हो जाए। दोस्तों देख सकते हैं मैं टाइट हो गया, देख सकते हैं मेरा रोटर जो है ये फ्री है, एकदम फ्री है। आगे मैं इस चार वायर का आपको कनेक्शन करके एक वीडियो अलग से दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे।